हिंदू ग्रंथों में यह बताया गया है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और पापियों का विनाश करते हैं। नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार इस बात के सबूत हैं। हमारे शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है जिसमें से वह अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का आखिरी अवतार अभी होना बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। हर किसी को यह जानने की इच्छा है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब लेंगे, कहां लेंगे, उनका रूप कैसा होगा और उनका वाहन क्या होगा। ऐसे कई सवालों के जवाब भगवद गीता में मौजूद हैं। आज हम आपको कल्कि अवतार के रहस्यों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रिसर्च करने के बाद बनाया गया है। इस वीडियो में बताई गई हर वह बात कल्कि अवतार के बारे में एकदम सटीक और सही साबित होती है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कल्कि अवतार कब और कहां होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म के लिए वह अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में वर्णित है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में और सतयुग के संधिकाल में होगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने युगों के अंत में हुआ था। जब कलयुग का अंत आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। हमारे ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित श्लोक का वर्णन किया गया है जो बताता है कि कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार कहां और कब होगा। उनके पिता के बारे में भी बताता है। चलिए आपको यह श्लोक बताते हैं। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यशा कल्कि पादुर्भविष्यत्। इस श्लोक के अनुसार संभल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान का कल्कि अवतार का जन्म होगा। दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके परिवार में कौन कौन होगा। या देवदत्त नामक घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार से दुष्टों का नाश करेंगे तभी सतयुग आरंभ होगा। इस अवतार को निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा। इनके 3 बड़े भाई भी होंगे जो सुमत, प्राज्ञ और कवि के नाम से भी जाने जाएंगे। याग्रवल्लक जी इनके पुरोहित होंगे और भगवान परशुराम इनके गुरु होंगे जो उन्हें युद्ध कला सिखाएंगे। भगवान कल्कि जी की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णु रूपी रमा। इनके पुत्र जय विजय मेघमाल और बलाहक होंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे, फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, अभी तो हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कल्कि अवतार किसका वध करेंगे। जिस प्रकार त्रेता युग में रावण अधर्मी था और द्वापर में कंस अधर्मी था, कलयुग में वह कौन अधर्मी होगा जो इन सभी से ज्यादा ताकतवर होगा, वह इतना शक्तिशाली होगा जिसको मारने के लिए कल्कि अवतार हनुमान और परशुराम जी जैसे महान योद्धाओं को एक साथ आना पड़ेगा। वह कली पुरुष होगा जो देवताओं के बराबर शक्तिशाली हो जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया था, जिसकी कुछ बूंदे नीचे गिर गयी जिससे कली पुरुष का जन्म हुआ और समय के साथ वह और शक्तिशाली होता गया। वह इंसानों के अंदर भी घुस सकता है और उन्हें बुराइयों में ढकेल सकता है। यह समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा जिससे यह और शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान कल्कि हनुमान जी और परशुराम जी के साथ मिलकर इसका अंत करेंगे। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कल्कि अवतार और वैष्णो माता जी की कहानी क्या है। जब माता अपने घर को त्याग कर बाहर तपस्या करना शुरू कर देती हैं, एक दिन माता समुद्र के किनारे तपस्या कर रही थी तभी माता सीता की खोज करते हुए प्रभु श्री राम को माता ने देख लिया। वह यह पहचान गयी कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। वह भगवान राम जी के पास गयी, उनसे विनती की वह उनसे विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन समय अभी सही नहीं है। अब से तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा। मैं वनवास के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान गई, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। काफी समय के बाद एक वैद्य व्यक्ति वैष्णवी माता के पास आया, लेकिन माता ने पहचानने में देर कर दी। तभी प्रभु श्री राम ने कहा कि जब मैं कल्कि अवतार में जन्म लूंगा तभी आपसे विवाह करूंगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कल्कि अवतार और 5 अलग लोग कौन होंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई चिरंजीवियों का वर्णन देखने को मिलता है जो कलयुग के अंत तक धरती पर ही रहेंगे, जिसमें से कुछ अमर हैं तो कुछ श्राप के कारण यहाँ पर हैं। आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे जो कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। इसमें पहला नाम आता है महर्षि मार्कंडेय जी का। मार्कंडेय जी का जीवन केवल 16 वर्ष का था, लेकिन वह शिव जी के परम भक्त थे। जब यमराज उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट
निपट गए। फिर शिव जी ने यमराज को युद्ध में हरा दिया। फिर उन्हें महामृत्युंजय मंत्र मिला। यह महामृत्युंजय मंत्र से कल्कि अवतार के युद्ध में मदद करेंगे। अगला नाम आता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। महाभारत में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों पर रात में हमला कर दिया। अश्वत्थामा ने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दे दिया। कई लोगों द्वारा उन्हें देखे जाने की बात भी कही गई है। कल्कि अवतार के साथ युद्ध में भाग लेने से वह इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। अगले हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य जी को ब्रह्मा का चौथा अवतार माना जाता है। भीष्म पिता ने महाभारत में कहा था, कृपाचार्य अकेले 60,000 लोगों से युद्ध कर सकते हैं। वह सप्त ऋषियों में से एक होंगे जो महाभारत के बाद ध्यान मुद्रा में चले गए थे, जो कल्कि अवतार के समय ध्यान से बाहर आएंगे तभी वह देह त्याग कर लेंगे। अगला नाम आता है परशुराम। परशुराम जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने वाले क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। उनके पास एक कुल्हाड़ी मुख्य हथियार थी। भविष्य पुराण के अनुसार परशुराम कल्कि अवतार के गुरु होंगे। अगला नाम आता है हनुमान जी का। हनुमान जी रामायण काल के वह चिरंजीवी हैं जिन्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। रामायण में भी उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरी बार वह महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का ध्वज बने हुए थे। भविष्य पुराण के अनुसार वह कल्कि अवतार के गुरु भी बनेंगे और उनका साथ भी देंगे। वह भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। उनकी शक्ति कल्कि अवतार के युद्ध में खुलकर बाहर आएगी, जिससे तीनों लोग खिल जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।